जय हिंद। PCS मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज लोग हम लोग फिर कंटिन्यू कर रहे हैं एडिटोरिया का, जो आपका न्यू बुक आया उसको हम लोग फिर से आज कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और ये देखिए, ये आपका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको हम लोग आज फिर से कवर करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोग आज जो कवर करने वाले हैं वो कम से कम 5 सेट्स कवर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग का डिमांड आता है सर एक दिन में 2 वीडियो अपलोड करें, तो कोई बात नहीं, आप टेंशन लीजिए, मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, आप लोग बिलीव कीजिए, ठीक है ना। देखिए 100 प्रैक्टिस सेट है, तो आज हम लोग 16 से लेकर 20 तक हम लोग कवर करेंगे आज पूरा ये प्रैक्टिस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ बस आप लोग से इतना रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फ्रेंड्स आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा वीडियो, कैसा बना, प्लीज़ फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 to 1962 पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निरुपमा राव। अगला क्वेश्चन है आपका कि कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। अगला है आपका, देखिए आपका ये फ्रेंड्स आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करें। तो देखिए ये पतन है और ये राज्य है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं 3 का तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसको मैच करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहले आपका भटकल, भटकल जो है वो कहाँ, कर्नाटक राज्य, ठीक है। अगर हम बात करें आपका एलेप्पी, एलेप्पी जो है वो केरल, ठीक है। और काकीनाडा जो है फ्रेंड्स आपका आंध्र प्रदेश, और तुतीकोरिन जो है वह तमिलनाडु। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी। 5 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है। राइट आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी नदी घाटी का भाग है। अगला आपका 6 नंबर क्वेश्चन कि दिए गए विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिएगा यहाँ पे इसमें से कौन मैच नहीं कर रहा है उसको देखना है। तो देखिए आप फ्रेंड्स, स्वर्ण क्रांति ये फल उत्पादन, उसके बाद देखिए यहाँ पे नीली क्रांति उर्वरक उत्पादन और पीली क्रांति अंडा उत्पादन। तो इसमें से मैच कौन नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, याद रखिए ऑप्शन नंबर 2 और 3 ये मैच नहीं करना है कर रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वृष्टि। 8 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इमैनुअल कांट ने दी थी। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर कि निम्नलिखित विकल्पों में किसका मिलान सही नहीं है। तो देखिएगा सबसे पहले आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में ये सही है, घाना पक्षी विहार राजस्थान में ये भी सही है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में यही सही है, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ में, फ्रेंड्स ये आपका गलत है। तो ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि रामसर सम्मेलन संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आर्द्रभूमि से। 11वां क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में कौन वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो देखिएगा जलवाष्प है और मीथेन है, लेकिन आपका आर्गन नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है, तो ये वस्तु किस प्रकार की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निम्न स्तरीय वस्तु है ये। 13वां क्वेश्चन है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति का प्रयोग नहीं लाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निवेश पद्धति का उपयोग नहीं किया जाता है, उत्पादन पद्धति, मिश्रित पद्धति और आय पद्धति का उपयोग किया जाता है। 14वां क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 5वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो 4 वर्ष थी, बाकी 4थी, 7वीं और 3री की 5 वर्ष थी, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ये कुछ राशि हैं और उसके मात्रक है, ठीक है। तो देखिए इसको मैच करना है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें 15, तो यहाँ पे 15 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले आपका त्वरण, तो त्वरण का जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बल का, तो बल का न्यूटन है मात्रक, कार्य का होता है फ्रेंड्स जूल, और आवेग का होगा न्यूटन सेकेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर कि किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उसके बाहर निकल जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व के कारण वो बाहर निकल जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है क्या कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ निम्न में से कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्वार्ट्ज। 19 नंबर क्वेश्चन है क्या कि विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए इसमें सत्य कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा कि किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों की विशिष्ट ऊष्मा समान होती है, तो ये आपका सही है, ये कथन है। और इसका मात्रक जूल प्रति किलोग्राम प्रति के होता है, ये भी सही है। और इसका मात्रक किलो कैलोरी किलोग्राम प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। तो निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो देखिएगा सत्य नहीं है तो फ्रेंड्स ये आपका विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, तो ये आपका सत्य नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर कि निम्न में से कौन एरोसॉल का उदाहरण नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जल में तेल। धुंध है, कोहरा है और बादल है, लेकिन जल में तेल नहीं है। देखिए फ्रेंड्स ये नहीं वाले ना एग्जाम में बहुत क्वेश्चन कंफ्यूजन करते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से, क्योंकि बीपीएससी हो या आपका बिहार सचिवालय हो या कोई भी अगर बिहार का स्पेशल एग्जाम अगर हो रहा है तो उसमें ये नहीं वाले क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसे नहीं। फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग पूरा सेट देखिएगा, ये मैं आप लोगों के लिए ऑनेस्टली डेली वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, अच्छा लगता है, थोड़ा सा मोटिवेटेड फील होता है अगर आप लोग शेयर करते हैं या वीडियो को लाइक करते हैं कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है। फ्रेंड्स प्लीज़ इतना काम तो आप कर सकते हैं मेरे लिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए डेली इतना प्रोवाइड करता हूँ, तो प्लीज़ फ्रेंड्स थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर है आपका, देखिए कि सूची आविष्कारक है और आविष्कार, देखो ये आविष्कार है और आविष्कारक मतलब किसका आविष्कारक किसने किया उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि ये किसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो देखिए डी में क्या है, सबसे पहले है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का खोज जे जे थॉमसन ने किया, ये भी सही है, मतलब मैच कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का खोज ई गोल्डस्टीन ने और परमाणु नाभिक का खोज ई रदरफोर्ड ने किया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10 होती है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, HCl। 24 नंबर क्वेश्चन है क्या कि बॉयल, चार्ल्स एवं अवगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आदर्श गैस नियम कहलाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लुईस पाश्चर को। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन की मात्रा। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो नहीं कौन सा, देखिए ये रक्त का तरल मैट्रिक्स है, ये आपका सही है, यह रंगहीन होता है, ये भी सही है, इसमें रक्त कणिकाएं होती है तो ये आपका गलत है, और इसमें फाइब्रोनोजन प्रोटीन पाई जाती है, ये भी आपका सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यकृत, लीवर को। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रमस्तिष्क। 30 नंबर क्वेश्चन है क्या कि ग्राम सभा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 243 ए के तहत। 31 नंबर क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश की संविधान से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। 32 नंबर क्वेश्चन आपका कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 129 में किया गया है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दूसरी अनुसूची में। 34 नंबर क्वेश्चन है कि राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भाग 17 में। 35 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ए यानी कि धार्मिक न्याय उल्लेखित नहीं है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियों शब्द जोड़ा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण सिंह समिति। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि आगे पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार के द्वारा। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इंद्रप्रस्थ। 41 नंबर क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए घोड़ा। 42 नंबर क्वेश्चन है क्या कि गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चंद्रदेव। 43 नंबर क्वेश्चन है कि दीवान एक हैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। 44 नंबर क्वेश्चन है एकासम गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मौर्य काल की यह विशेषता है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि कुबत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ईरान से। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मैच करना है सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। ठीक है अगर हम बात करते हैं कि कौन से प्रथा को किसने प्रतिबंध लगाया था उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है तो पहले आपका है कि शिशुवध प्रतिबंध किसने लगाया था तो ब्लेजली लगाया था। ठीक है उसके बाद आपका है सती प्रथा प्रतिबंध किसने लगाया तो लॉर्ड विलियम बैटिंग ने। दास प्रथा प्रतिबंध किसने लगाया तो लॉर्ड एलनबरो ने। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह किसने लगाया तो लॉर्ड कैनिंग ने। तो ये फ्रेंड्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत वीवीआई एकदम 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आंसर की आप लोगों के लिए अपलोड किया हूँ तो देख लीजिएगा वो भी। ठीक है 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बदरुद्दीन तैयब जी। 49 नंबर क्वेश्चन है कि पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एम जी रनाडे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 50 नंबर क्वेश्चन है कि इनाम कमीशन की स्थान किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। इनाम कमीशन की स्थान तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी। याद रखिएगा कि इनाम कमीशन की स्थापना याद रखिएगा किस गवर्नर जनरल के समय तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है तो लॉर्ड डलहौजी याद रखिए। अब स्मरणीय तथ्य के बारे में देखते हैं मैं बोला फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका स्मरणीय तथ्य। ठीक है और देखिए इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए मैं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो भी रहता है वो सबसे पहले प्रोवाइड करता हूँ तो प्लीज़ आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो ही जाइए फ्रेंड्स। ठीक है वहाँ पर आप लोगों को मैं वीडियो शेयर कर दूँगा और वहाँ पर आप लोगों के लिए मैं क्या करूँगा डेली पीडीएफ जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट रहते हैं मैं अपलोड करते रहता हूँ तो प्लीज़ जुड़ जाइए। ठीक है और एग्जाम से रिलेटेड भी नोटिफिकेशन मैं हमेशा उसमें देते रहता हूँ। तो देखिएगा तुगलक वंश के संस्थापक कौन है तो गयासुद्दीन तुगलक इंपॉर्टेंट है। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य शिक्षित एवं विद्वान शासक था। ठीक है और इसे स्वप्नशील पागल और रक्तपिपासु कहा गया है। ठीक है मोहम्मद बिन तुगलक को आगे देखते हैं कि कृषि क्षेत्र के विकास हेतु इसने अमीर एक वही विभाग की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। और मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी तथा इसका नाम दौलताबाद रखा था। आगे आपका कि सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसी के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहकर पुकारा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है और इसी के शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जीन प्रभु सूरी को सम्मानित किया था। और ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला मुसलमान शासक था फिरोज तुगलक ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है और सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाला व्यक्ति को मजमूआदर कहा जाता था।
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे विभाग है कुछ संबंधित तो सुल्तान है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट VVI कर लीजिएगा। दीवान ए अर्ज के सुल्तान कौन थे? बलबन। दीवान ए मुस्तखराज के अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक। और दीवान ए इस्तिकाक कौन है? इस्तिहाक कौन है? तो फिरोज शाह तुगलक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका आंसर की देख लीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेट पर आते हैं हम लोग, सेट नंबर 17 देखते हैं, ठीक है। 17 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है? तो कौन सा देश, मतलब कि कौन सा जो है देश वो भूटान के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा क्या हो जाएगा, कौन सा राज्य, सॉरी देखिएगा फ्रेंड्स, राज्य पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इनमें से देखिए, ये असम जो है भूटान के साथ सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका दो नंबर कि अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? राइट आंसर देखिएगा क्या हो जाएगा, इसमें कौन सी नदी निकलती है? तो लूनी नदी और माही नदी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीन नंबर है कि सैंडल पीक की अवस्थिति है कहाँ पर है? तो ये जो है वो उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। तो राइट आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फोर नंबर कि दिए गए विकल्पों में कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, ये नहीं वाले बहुत कंफ्यूजन करते हैं, तो देख लीजिएगा यहाँ पे, देखिए अमरावती है, पंचगंगा है, मूसी है, लेकिन आपका पेनगंगा नहीं है। फाइव नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? असिंचित खेती की जाती है, देखिएगा तो फाइव का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्कन का पठार। अगला है आपका सिक्स नंबर क्वेश्चन कि उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लू। अगला क्वेश्चन है आपका सेवन नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तकनीकी उन्नति। आठ नंबर क्वेश्चन आपका कि GST किस प्रकार का कर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका नाइन नंबर कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश का को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, निजीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका टेन नंबर कि आय और उपयोग में किस प्रकार का संबंध है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष संबंध है। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन से घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, यानी कि प्रदूषण, ओजोन क्षरण और ग्रीन हाउस गैस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि क्वेटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष UNFCCC द्वारा स्वीकार किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1997 में, 1997 ईस्वी में किया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित प्रश्नों का सही सुमेलित करें। देखिए अभ्यारण्य किस राज्य में, उससे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, VVI कर लीजिएगा, ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो देखिएगा 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अगर हम बात करें कि सिमलीपाल अभ्यारण्य जो है वह कहाँ पर है, तो ये जो है फ्रेंड्स आपका उड़ीसा में है, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में है, ठीक है। और जीम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका उत्तराखंड में है, और सरिस्का अभ्यारण जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में। गिर से याद रखिए, ग से गिर और ग से गुजरात। तो ऐसे भी आप लोग थोड़ा सा लॉजिकली याद कर सकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसमें। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सत्यफल किस में विकसित होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय में। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि कॉड लीवर तेल मुख्य रूप से किस से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी से संबंधित है। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम को प्रोटीन कारखाना कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री या बोलिए। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आलू। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? इसमें से सही ढूंढना है कि कौन सा है। तो देखिए आपका कि फ्लोएम फोटोजेनेटिक उत्पादों का परिवहन करता है, तो ये आपका सही है। तो 19 का डी आंसर, 19 का बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप,
20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि स्थलीय हरे पौधे की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा का खाद ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1%। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर कि कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह डैश बनाता है। क्या बनाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एसिटिलीन बनाता है। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर कि एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 32। 23 नंबर क्वेश्चन आपका कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस उस समूह का नाम बताया जिसमें ऐसे तत्व हो जो सभी गैसीय हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी समूह 18। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रेरक व रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी OH-। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका कि स्थितित ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें से कौन सा सत्य नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, आपके ये जितने भी ऑप्शन हैं, मतलब स्थितित ऊर्जा, क्रियाशील ऊर्जा है, ये गलत है, ये सभी असत्य है। जितने भी आपके ऑप्शन हैं कि ऊंचाई में परिवर्तन होने में स्थितित ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, तो ये भी गलत है। स्थितित ऊर्जा में संचित ऊर्जा नहीं होता है, तो ये भी गलत है। यानी कि सभी इसमें असत्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है। तो ये नहीं वाले फ्रेंड्स देखिए, तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वह सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे या अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है, लेकिन स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग ये अनुप्रस्थ तरंग है। भूकंपीय तरंगों में एस तरंगे ये भी अनुप्रस्थ तरंगे हैं। डोरो युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे सितार, गिटार, वीणा ये भी क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। लेकिन आपका सर्पिलाकार स्प्रिंग से उत्पन्न तरंगे ये नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 27 नंबर देखिएगा कि भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र का सृजन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कनाडा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर कि भारतीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य है क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर कि भारतीय चारगाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी झांसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21। 31 नंबर क्वेश्चन है क्या कि सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन में। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर बी सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो गैर संवैधानिक निकाय कौन सी है? तो देखिएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये है, उसके बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ये भी है, और लोकपाल ये जो है आपका गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर कि जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संबंधित के सातवीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अशोक मेहता समिति। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, संवैधानिक प्रावधान और उसके स्रोत है कहाँ से लिए गए हैं? तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 37 का, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मंत्रिमंडलीय सरकार ये ब्रिटेन से लिया गया है, केंद्र राज्य संबंध कनाडा से, ठीक है, और आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया, और मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट से। अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर कि सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वजीर। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अकबर के समय में हुई थी। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यशोवर्मन से।
अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर की हेनसांग के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो गलत को इसमें ढूंढना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था हेनसांग, ये सही है। इसका ब्रह्मन वृत्तांत सीयूकी में वर्णित है, ये भी सही है। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया, ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सत्य है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर कि सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपर किस नदी के किनारे स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सतलज नदी। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका कि उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी शाह आलम द्वितीय ने। 44 नंबर क्वेश्चन है कि प्रमुख जैन तीर्थकरों में अरिष्टनेमी 22वें का प्रतीक चिन्ह क्या है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शंख। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने अस्थाई बना दिया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गुरु अंगद ने। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गवर्नर जनरल में किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स ने। 47 नंबर क्वेश्चन है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया, इंपॉर्टेंट है ये भी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1906 में। 48 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पेरिस में है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यूएसए और कनाडा, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए आप आंसर किए तो इसको आप लोग मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर, देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन मूल राशि नहीं है, तो देखिएगा इसमें से नहीं कौन है, तो ये आयतन जो है वो मूल राशि नहीं है, ताप ज्योति तीव्रता और दबमान ये मूल राशि है। अब देखिए कुछ स्मरणीय तथ्य है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सैद वंश के संस्थापक तो ख्रिज खा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसने रयत ए आला की उपाधि धारण की थी ख्रिज खा ने। और लोधी वंश के संस्थापक कौन है, तो बहलोल लोधी हैं, ठीक है। आगे आपका कि 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोधी ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसने मुसलमानों को जजिया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने पर प्रतिबंध किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। किसने प्रतिबंध किया था, तो याद रखिएगा सिकंदर लोधी ने। आगे है कि इसने गुलरुखी शीर्षक में से फारसी कविताओं की रचना की थी। अगला आपका कि सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध कौन था, तो देवल, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो हरियर एवं बुक्का, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके जो अभी बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हो गया था, ये क्वेश्चन पूछे हुए था कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए फ्रेंड्स। ये आपके जितने भी स्मरणीय तथ्य हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका तो एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है ये, और ये स्मरणीय तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ फ्रेंड्स आप इसे पढ़िएगा जरूर एक बार, ठीक है। और हो सके तो वीडियो एक दो बार देखिए, आपका एग्जाम में जीके जीएस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस थोड़ा सा करंट अफेयर। और मैं जल्दी आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में आ चुका है, तो मैं उसको ला के मैं आप लोग जल्दी प्रोवाइड करूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपका कि इस वंश के शासक बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी, ठीक है। और देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कांटी विजयनगर आया था, ठीक है। अगला है नेक्स्ट आपका कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। देवराय द्वितीय को जग बेटकर की संज्ञा दी गई। कृष्णदेवराव के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका कि कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा विजयनगर आया था। और अच्युत राय के शासन में पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर आया था, ठीक है। आगे देखिए आपके मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा गया है। और विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण तालीकोटा युद्ध था जो 23 जनवरी 1565 में हुआ था, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका आंसर है देख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 18 पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि लाल मिट्टी की प्रकृति होती है, तो कैसी प्रकृति होती है, तो देखिए यह एक अम्लीय होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर कि डंकन पास निम्न से किसके मध्य स्थित है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अंडमान, ये लघु अंडमान के बीच में है डंकन पास स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा कि किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को
आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवलादेव घाना नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान का पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। फाइनल क्वेश्चन है आपका कि त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका सिक्स नंबर कि माही सुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, धान की प्रजाति है। सेवन नंबर क्वेश्चन है आपका कि बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जे बी से ने। अगला क्वेश्चन है आपका एट नंबर कि किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। नाइन नंबर क्वेश्चन है आपका कि सर्वप्रथम किस देश में मूल्यवर्धित कर वैट का लागू किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस में। टेन नंबर क्वेश्चन है आपका कि एकमात्र सेंचुअरी कौन सी है जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं? तो एकमात्र सेंचुरी कौन सी है तो बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाची ग्राम सेंचुरी जहाँ पे यह पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर देखिएगा, कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, ये सही है। वन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास, ये भी सही है। वन्य भूमि के वनस्पति एवं प्राणी का परीक्षण, ये भी सही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जी रोसेन ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण बल। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि तरंग। प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग और माइक्रोवेव, ये ध्वनि तरंग है, चुंबकीय तरंग है, लेकिन आपका ध्वनि तरंग नहीं है, चुंबकीय तरंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर कि शुष्क क्षेत्र का धनोद किसका बना होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कार्बन का। 16 नंबर क्वेश्चन है कि हर्षचरित में यमचेटी का उल्लेख मिलता है, यमचेटी होते हैं क्या? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रात्रि में पहरा देने वाले स्त्री। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि चिदंबरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नैनार से। 18 नंबर क्वेश्चन है क्या कि किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उससे मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विलयन की सांद्रता। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है क्या कि निलंबन कणों का आकार कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 10^-5 से 10^-7 सेंटीमीटर के बीच होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो मैच कर रहा है, देखिए यहाँ पे तो नाभिकीय मॉडलर ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ये मैच कर रहा है। ठीक है, ग्राह्य मॉडल नील्स बोर, क्वांटम मॉडल इरविन श्रोडिंगर, इन्होंने किया था, लेकिन ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही, यानी कि सभी मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर कि क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजन बंधन होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एकल सहसंयोजन बंध। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर कि आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वर्ग दो को। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि लूनार कॉस्टिक निम्न में से किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर नाइट्रेट को कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसका हृदय चार कक्षीय होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए फ्रेंड्स, 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये नहीं होगा यहाँ पे, किसका हृदय चार कक्षीय होता है? तो फ्रेंड्स, ये तो मानव होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, मानव का जो हृदय होता है चार कक्षीय होता है। ठीक है, यहाँ पे आंसर मैच है, तो यहाँ पे पक्षी नहीं होगा, मानव होगा। ठीक है, एप्स में चार नहीं पाए जाते हैं। अगला है देखिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन मैच नहीं कर रहा है उसको देखना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अमाशय अम्ल का निर्मोचन ये आपका सही है, बड़ी आंत जल का अवशोषण ये भी सही है, छोटी आंत पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण ये भी सही है, लेकिन यकृत शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि तो ये आपका गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, देखिएगा कि मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रभाव होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी महाशिरा में। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित रचनाओं में कौन जिम्मेदार है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एस्टोमेटा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागकणकारी है, ठीक है, तो कौन सा जीव जो है परागकणकारी है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी और सी चमगादड़ मधुमक्खी पक्षी ये सभी। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर कि खानवा का युद्ध बाबर और किसके शासक के बीच में हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राणा संगा के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर कि दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैतवाद किस संत से संबंधित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी निम्बकार्चा, ठीक है, तो याद रखिएगा कि निम्न कार्याचार्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर कि सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित था कौन, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दीवान ए को ही संबंधित था कृषि विभाग से। 33 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बल्लभी गुजरात में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर कि प्रसिद्ध अरबी लेखक अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद गजनवी के साथ। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर कि साम वेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पंचवीस। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर कि गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कि भारत का पहला समाचार पत्र का नाम बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बंगाल गजट। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कार्नवलिस को। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे संस्था है और किस संस्था के कौन से संस्थापक है उसके बारे में देखते हैं, तो 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें विश्व भारती संस्था के संस्थापक कौन है, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं। उसके बाद अभिनव भारत के संस्थापक है वी डी सावरकर, वेद समाज के संस्थापक है केशव चंद्र सेन हैं, और आपका देव समाज के संस्थापक है पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ये संवैधानिक प्रावधान है और ये स्रोत है, कौन से संवैधानिक प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो देखिएगा सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि शासन का संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया, सही है। राज्य के नीति निदेशक तत्व ये आयरलैंड से लिया गया, ये भी सही है। समवर्ती सूची का अवधारण ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य का विचार ये अमेरिका से लिया गया, तो ये सुमेलित नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर कि धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 109। तो 100% अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। 42 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है तो क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तो राज्यों का संघ है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, निम्नमें से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी समता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य को ढूंढना है, तो देखिए राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये आपका सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी आपका सही है। भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी थे, ये भी आपके सही है, लेकिन आपका जो यहाँ पे फ्रेंड्स गलत है वो उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, तो ये आपका गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा कौन नहीं है, तो पी वी एन राव समिति ये आपका नहीं है, जी वी के राव समिति ये है,
LS सिंधवी समिति ये भी है, अशोक मेहता समिति ये समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित है, लेकिन PVN राव समिति ये पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर के, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब दिया गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर ऑप्शन में भी 69वां संविधान संशोधन के तहत यह दर्जा दिया गया। 47 नंबर क्वेश्चन है कि बोहरा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजनेताओं तथा अपराधियों की सांठगांठ किससे। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर की, एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी। इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर की, विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश कौन है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उरुग्वे। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यवनों का भारत पर आक्रमण के विषय में बताता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गार्गी संहिता जो है वह यवनों का भारत पर आक्रमण के बारे में बताता है। देखिए यहाँ पे आंसर है फ्रेंड्स, आप लोग मैच कर लीजिए और इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए, मैं आपको PDF दे दूँगा। आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्मरणीय तथ्य देखते हैं, तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर ये कितना इंपॉर्टेंट है, और इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी बाबर ने, और इसने गाजी की उपाधि भी धारण की थी बाबर ने, ठीक है, और खानवा के युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया था। ये इंपॉर्टेंट है कि जिहाद का नारा किसने दिया, बाबर ने, और किस युद्ध में दिया, तो खानवा का युद्ध में, ठीक है, और इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, किसने, तो बाबर ने, और पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने पहली बार तोपखाने का भी प्रयोग किया था, और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी, जिसकी फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। ये इंपॉर्टेंट, ये पूछता है कि फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने यह अनुवाद किया था। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ युद्ध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, VVI कर लीजिएगा ये युद्ध। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526, ये डेट याद रखिए फ्रेंड्स, ये अप्रैल जो याद है ना, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये किसके बीच में हुआ था, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, और बाबर जीत गया था। उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527, याद रखिएगा डेट, राणा संगा एवं बाबर के बीच में, बाबर जीत गया था। चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जून 1528, तो याद रखिएगा ये, मेदिनी राय एवं बाबर के बीच में, बाबर फिर जीत गया था। और घाघरा का युद्ध हुआ था 6 मई 1529 में, या अफगानों एवं बाबर के बीच में, तो इसमें बाबर जीत गया था। ये जितने भी युद्ध हुए थे इसमें बाबर जीत गए थे। देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट ना, ये आपका डेट है, ये वाला डेट ये याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग को जनरली आपको ईयर याद रहते हैं, लेकिन डेट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप डेट से रिलेटेड एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछते हैं, तो अब तो ये पूछता है आपको, यहाँ पर हम लोग फंस जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग फोकस कीजिएगा। अगला पॉइंट है कि बाबर का उत्तराधिकारी हुआ था कौन, हुमायूं, और इसने 1533 में दीनपना नगर की स्थापना की थी हुमायूं ने, और यह ज्योतिष में विश्वास रखता था हुमायूं। 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था, और इसमें शेर खां विजयी हो गया था। अगला है आपका कि 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच में बिलग्राम यानी कन्नौज का युद्ध हुआ था, इसमें शेर खां भी विजयी रहा। अगला नेक्स्ट है आपका, कन्नौज युद्ध में हार के पश्चात हुमायूं 15 वर्षों के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा, और पुनः 1555 ईस्वी में इसने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली पर की गद्दी पर बैठ गया था, और हुमायूं नामा की रचना इसकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर युद्ध यहाँ पर है, देखिएगा युद्ध किससे रिलेटेड है क्वेश्चन, कि देवरा का युद्ध हुआ था कब, तो 1531 में, और सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 ईस्वी में। तो युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कि शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि दिया था बहार खां लोहानी ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और शेरशाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्रा को पुनः पटना नाम से स्थापित किया था, और इसने किला एक ऊना नामक प्रसिद्ध मस्जिद की स्थापना की थी, याद रखिए नामक मस्जिद की स्थापना की थी, ये भी इंपॉर्टेंट। किसने की थी, तो याद रखिए शेर खां ने, ठीक है, यानी कि शेरशाह। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर किया, इसको आप लोग मैच कर लीजिएगा। और नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 19, ठीक है, और इसको हम लोग देखते हैं कि 19 का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि वहाँ पे क्या होगा, तो उसको हम लोग मरुस्थल मानेंगे। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो तो उस क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर कि दिए गए विकल्पों में कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो राइट आंसर देखिएगा कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, घाघरा यमुना का सहायक नदी नहीं है, तो चंबल है, केन है और बेतवा है, लेकिन घाघरा नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि आगे किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यांगयाप दर्रा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है क्या कि 19 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है,
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर कि भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2004 में है। तो ये इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि देखिए ये क्षेत्र है उसका उत्पादन है, ठीक है। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और ये भी आपका इकोनॉमिक से रिलेटेड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो इसमें आते हैं मधुमक्खी पालन, द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो जूते का कारखाना, और तृतीय क्षेत्र की बात करें तो सलाहकारी संस्था। तो ये आप लोग क्षेत्र ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर कि पश्चिम बंगाल के का रानीगंज प्रसिद्ध है किस लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोयला क्षेत्र के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर कि कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड। 9 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के संविधान से यह लिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 117 में वर्णित है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भाग 14 में। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सूची एक का सूची दो से आपको मैच करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 13 का जो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करें कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण ये शरीर प्रस्तुत होना, उसके बाद परमादेश, परमादेश जो है वो क्या है तो हम आदेश देते हैं इसका अर्थ होता है, और प्रतिषेध का मतलब क्या होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के लेख, और अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कि किसी किस अधिकार से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर के संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसके पास होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री के पास होती है। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उससे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक कार्य विभाग। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कम से कम 5 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देखिएगा सबसे पहले अगर हम बात करें औरंगजेब सभी धर्म के मानता था तो ये आपका सही है, और इसने गुरु अर्जुन देव की फांसी दिलवाई थी तो ये आपका गलत है, इसने जजिया कर को पुनः लागू किया था ये भी सही है, ठीक है। तो इसका आपका फ्रेंड्स 17 का देखिएगा आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ये असत्य है। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर कि विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में भारत आया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता में आर्यों का प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5 भागों में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोहन जोदड़ो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ऋग वैदिक कालीन नदियों में सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गंडक का। 22 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्रावस्ती में। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर कि किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज से में घायल हुए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लाहौर में। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एलन कैंपबेल जॉनसन ने। 25 नंबर क्वेश्चन है क्या कि अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने का वकालत किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने। 26 नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सलीमुल्लाह खान ने।
27 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन, कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एपिनेफ्रीन ये पादप हार्मोन नहीं है, जिब्रेलिन, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन ये पादप हार्मोन है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा सही। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहा है क्या कि 29 नंबर की सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से करना है कि कौन सा रोग जो होता है वो किससे होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। यानी कि अगर बात करें हैजा, तो हैजा एक बैक्टीरिया रोग है, ठीक है। उसके बाद बात करें हम डेंगू, तो डेंगू आपका एक वायरस रोग है। उसके बाद फील पाओ जो है वह एक कृमि रोग है, और मलेरिया जो है प्रोटोजोआ रोग है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है क्या कि निम्न में से कौन अनुवांशिक रोग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी सी, यानी कि देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिजोफ्रेनिया, ये सभी जो है वो आपके अनुवांशिक रोग है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जीव निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि स्कैटिक, फिलेरियसिस और पिनवर्ग, ये सभी जो है वह निमेटोडा संघ में अंतर्गत आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वातक तंत्र से करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन और व्यतिकरण का। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि तंतु प्रकाशीय संचार के संकेत किस रूप में प्रभावित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश तरंग में। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर की, यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अधिक होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है क्या कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दिशा परिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर की, किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर की, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिय करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस निर्माण करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर, देखिएगा किसे काटा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी कि सोडियम और पोटेशियम दोनों को चाकू से काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर के, निम्न में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ट्राइटियम। 44 नंबर क्वेश्चन है कि एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, C2H2। 45 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लैक गांधी निम्न से किन का उपनाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। 46 नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मदर इंडिया। 47 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5 अक्टूबर को, और याद रखिएगा शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर कि मंडप और रथ किस शैली के मंदिरों की विशेषताएं हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मामलल शैली। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर कि निफक आंदोलन के प्रणेता थे कौन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दादू दयाल। अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर कि खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जॉन डेवी ने। देखिए फ्रेंड्स इसका आप लोग आंसर किए, इसको आप लोग मैच कर लीजिएगा और हम लोग स्मरणीय तथ्य देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये है कि सम्राट अकबर की राज्याभिषेक हुआ था कब? तो 14 फरवरी 1556, तो कलानौर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेट इनका, ठीक है। और अकबर का संरक्षण कौन था? तो बैरम खां था। और 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेयू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, जिसमें अकबर क्या हुआ था? विजय हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पानीपत की लड़ाई जो किसके बीच में हुआ था, ठीक है। अगला है आपका कि 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है। और हल्दी घाटी युद्ध में बंगाल सेना का नेतृत्व मानसिंह ने किया था, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, अकबर ने जैन धर्म के विद्वान हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। अगला देख नेक्स्ट है आपका कि जप्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। और मुगल काल में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत टोडरमन ने किया था। और दीन ए इलाही धर्म का स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू कौन था? तो बीरबल था। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है आपका कि अकबर के समय दशवंत, वशावन एवं अब्दुर समत प्रसिद्ध चित्रकार थे, और इसने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है आपका कि अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का भी निर्माण करवाया था अकबर ने। आगे आपका कि यह नगारा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। इसके दरबार में नवरत्न रहते थे, अकबर के दरबार में। अगला है आपका कि इसके शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी अकबर की। अगला है आपका कि इसके शासनकाल में आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला का निर्माण किया गया था अकबर के काल में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है आपका कि इसने अब्दुस अतमद को सीरी कलम एवं मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जोड़ी कलम की उपाधि दी थी। अब देखिए यहाँ पे अकबर के दिए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य है। तो देखिए, दास प्रथा का अंत किया था अकबर ने 1562 में, ये इंपॉर्टेंट है। तीर्थयात्रा करके समाप्ति 1563 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। जजिया करके समाप्ति 1564 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फतेहपुर सिकरी की स्थापना 1571 में, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। जितने भी पॉइंट हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है। और इबादत खानन की स्थापना किसने की? तो अकबर ने 1575 ईस्वी में। उसके बाद कि मजहर की घोषणा 1579 में किया था अकबर ने, ठीक है। और दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में अकबर ने किया था। और इलाही संबद्ध की शुरुआत 1583 में अकबर ने किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हो सके तो आप इसको कहीं पे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे इसका आंसर की है। अब आते हैं लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 20 पे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग का यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक जो प्रैक्टिस सेट तो था वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि मैं आज 20 प्रैक्टिस सेट फिर करवा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगे तो ये आप लोग की एक मास्टर वीडियो के फॉर्मेट में आप लोग का लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, जो भी अगर आपके फ्रेंड्स भाई बहन जो भी है तो उनको शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं विश्वास दिलाता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप एक बार पूरा टोटल प्रैक्टिस सेट आप पढ़ के जाइए, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ जो प्रैक्टिस सेट है वो 1 से लेकर 100 तक है। तो विश्वास दिलाता हूँ आपको फ्रेंड्स कि 1 से लेकर 100 तक का जो प्रैक्टिस सेट अगर आप देख लेते हैं एग्जाम से पहले, मैं विश्वास कीजिए मैं पूरा कंप्लीट भी करवा दूंगा, तो आपका BPSC या बिहार CGL थर्ड में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, या बिहार आप SI का भी एग्जाम देने जा रहे हो। तो प्लीज़ फ्रेंड विश्वास कीजिए, ये बहुत ही अच्छा बुक है एडिटोरिया का, और इसमें जो भी तथ्य दिया होगा क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छा है। तो विश्वास कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फ्रेंड्स इसे शेयर कीजिए। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा मेरा मनोबल को बढ़ाइए, थोड़ा सा कमेंट कीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा फ्रेंड्स अगर आप कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा फिर मोटिवेटेड फील होता है। प्लीज़ फ्रेंड थोड़ा सा कि ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे नए नए वीडियो प्रोवाइड करें। तो मैं आप लोगों के लिए जल्दी BPSC और बिहार सचिवालय का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के लिए वीडियो YouTube चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। तो प्लीज़ जुड़िए PCS में का YouTube चैनल से और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 नंबर, देखते हैं कि समझौता ज्ञापन की पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1987-88 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कि राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1992 में। 3 नंबर क्वेश्चन है क्या कि रेखा समिति का संबंध में से किस से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष कर से। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर के निम्नलिखित किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 10 अवतार मंदिर देवगढ़ में। 6 नंबर क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पोटास की। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी अंडमान की। आठ नंबर क्वेश्चन है आपका कि ब्राह्मणी एवं बैतरणी इनमें से किसकी सहायक नदी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी महानदी की। नाइन नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से मैच करना है कि नहीं है। तो सबसे पहले कि जोजिला दर्रा जो है जम्मू एवं कश्मीर में सही है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में सही है, और बोमडिला दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में ये सही है। तो चांगला दर्रा ये मेघालय में ये आपका फ्रेंड्स गलत है। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए कि चांगला दर्रा किस राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स प्लीज़ अब कमेंट करके बताइए, कमेंट करिए, देखते हैं कि किसा कमेंट में आंसर सही आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्लैकफुट। 11वां क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। 12वां क्वेश्चन है आपका कि बहमनी राज्य में अमीर ए जुमला किस विभाग से संबंधित था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थ विभाग का अध्यक्ष था। 13वां क्वेश्चन है आपका कि सनकादि संप्रदाय से संबंधित संत निम्न में से कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निम्काचार्य। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर कि सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकाली शासक कौन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 15 नंबर, देखिए मठ है और कौन मठ के कौन से स्थान है, तो उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं हेमिस मठ, तो हेमिस मठ ये लद्दाख में है। उसके बाद तवांग मठ, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। बोमीमंडा मठ तो ये फ्रेंड्स आपका बोधगया में है, और आपका नामग्याल मठ जो है आपका धर्मशाला में है। तो राइट आंसर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर कि अशोक के किस शिलालेखों में धर्म यानी कि धर्म की व्याख्या की गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 11वां। 17वां क्वेश्चन है आपका कि रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चीन में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका देखिएगा 18वां क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों के नेतृत्व किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी धरसाना में। 19वां क्वेश्चन है आपका कि चोलों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन एक ब्राह्मणों का संगठन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सभा। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी की क्रांतिकारी तथा संबंधित स्थान से सुमेलित कीजिए, तो कौन से क्रांतिकारी का कौन सा स्थान है उसको देखते हैं। तो पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है फ्रेंड्स सॉरी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि लियाकत अली खान, तो ये जो इलाहाबाद में है ये सही है। खान बहादुर खान बरेली में, बरेली से अजीमुल्ला ये जो थे वो फतेहपुर से, और बेगम हजरत महल तो ये कहाँ थे लखनऊ से थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शिक्षा से। 22 नंबर क्वेश्चन है कि 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केशव चंद सेन ने। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रॉलेट एक्ट की घटना सबसे पहले हुआ। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि भारत के संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि निम्नलिखित में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गणतंत्र। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है।
तो देखिए इसमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए लोक लेखा समिति अस्थायी समिति है, प्रकलन समिति ये भी है, लोक उपक्रमण समिति ये है, लेकिन वित्त मंत्रालय का परामर्शदात्री समिति ये आपका नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर की केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केवल लोकसभा में यह प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 31 नंबर कि जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है किसका। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जलीय वातावरण में। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर कि नदी का प्रदूषण मापा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से मापा जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि शुक्ला फांट वन्यजीव अभ्यारण कहाँ स्थित है, शुक्ला फांटा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेपाल में। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर कि लघु रेडियो तरंग की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा किया गया। 35 नंबर क्वेश्चन है कि कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रथम उत्तोलक श्रेणी। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हस्तांतरण करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी सी यानी कि डी हो जाएगा राइट आंसर। डायनमो, टरबाइन और पवन चक्की ये जो भी है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका कि घृतवीय त्वरण जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिएगा सबसे पहले अगर हम बात करें कि जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न होता है तो ये आपका सही है। जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये होता है, ये भी सही है। जी अदिश राशि है तो ये गलत है, जी एक सदिश राशि है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर कि द्रवों के तापमान में वृद्धि करने पर उसके सायंता पर क्या प्रभाव पड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसकी सायंता घटती है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत धारा का चालक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सिल्वर। अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जल का प्रकाश अपघटन के कारण। 41 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मुद्रा पूर्ति को शामिल नहीं किया जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बंदी की द्विविधा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक। 43 नंबर क्वेश्चन है कि UNDP का बहुआयामी निर्धारणता सूचकांक कितने प्रत्ययों से मिलकर बना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 10 प्रत्ययों से। अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर कि मनुष्य की जीभ के किस भाग में कुटुवाइट का संवेदना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पिछला भाग में। अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइन में बदलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेप्सिन। आंसर मैच कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 46 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी। 47 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्रसनी। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कि रक्त में मूत्रामल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गाउट। 49 नंबर क्वेश्चन है कि आँख का वह कौन सा भाग जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आयरिस। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर कि गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो निम्न में से किस में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्षुद्रांत में। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ स्मरणीय तथ्य है उसको देखते हैं कि वैष्णव संतों द्वारा स्थापित मत, तो श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य के द्वारा और विशिष्टता द्वैतवाद है। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य ये द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय ये विष्णु स्वामी शूद्र द्वैतवाद, और सनकादि संप्रदाय निम्काचार्य और ये जो है वो भी क्या है तो द्वैतवाद है। ठीक है, अगला आपका प्राचीन मंदिर एवं उनके निर्माणकर्ता, तो मंदिर और निर्माणकर्ता देखते हैं तो कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा मंदिर और ये निर्माणकर्ता। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांची का कैलाश मंदिर कौन से निर्माण किया था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। मल्लापुरम का तट मंदिर तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने।
एलोरा का कैलाश मंदिर तो कृष्ण प्रथम ने, पुरी का जगन्नाथ मंदिर तो चोल शासक गंगदेव ने, और ओडिशा का लिंगराज मंदिर तो यायती केसरी ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका आंसर की है, और यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपका यहाँ पे जो मास्टर वीडियो था वो 1 से लेकर 20 तक यहाँ पे कंप्लीट होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर आप अभी तक वीडियो नहीं देखे होंगे फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप एक बार PCS मेकर का प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको 1 से लेकर 20 तक का प्रैक्टिस सेट, मॉक सेट आपका ऑडिटोरिया का प्रोवाइड किया गया है। आप एक बार जरूर जाके देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा है आपके एग्जाम पॉइंट से। और इसका फ्रेंड्स अगर आप PDF चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन के और इसका PDF ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि अगर आप PDF अगर टेलीग्राम से जुड़ते हैं तो जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन रहेगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों। और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा।